हाउ आर यू। मैंने आपको लास्ट टाइम एक क्वेश्चन दिया था ये वाला। इन अ सीडीएमए सिस्टम विद एन इज इक्वल टू 8 चिप्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स हु कैन बी असाइंड म्यूचुअली ऑर्थोगोनल सिग्नेचर सीक्वेंसेस इज। सी इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बोला भी था कि इसे आप लोग ट्राई कीजिए, पर अब कोई ट्राई नहीं करता। देखिए, आपने वायरलेस कम्युनिकेशन में पढ़ा होगा, एक फैक्टर होता है स्प्रेडिंग फैक्टर। क्या होता है स्प्रेडिंग फैक्टर? इसको हम बोलते हैं एस डॉट एफ। दिस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ चिप रेट बाय सिंबल रेट, चिप रेट बाय सिंबल रेट। इफ अ सिंगल सिंबल, इफ अ सिंगल सिंबल, ओके, इज रिप्रेजेंटेड, इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कोड ऑफ 8 चिप्स, ओके, दैट मीन्स आप कह सकते हो कि जो चिप रेट है, इसने बोला ना विद एन इज इक्वल टू 8 चिप्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स हु कैन बी असाइन म्यूचुअली ऑर्थोगोनल सिग्नेचर सीक्वेंसेस। अब इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। अगर कोई एक सिंगल सिंबल है जिसको हम कोड ऑफ 8 चिप्स के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो मैं इस चिप रेट को क्या लिख सकती हूँ, 8 टाइम्स 80 टाइम्स ऑफ सिंबल रेट। ठीक है, तो स्प्रेडिंग फैक्टर आपका कितना होगा? रुकिए, ये 8 होना चाहिए। तो आपका जो स्प्रेडिंग फैक्टर होगा ये हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ RS बाई RS इज इक्वल टू 8। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्प्रेडिंग फैक्टर और प्रोसेस गेन है, स्प्रेडिंग फैक्टर और प्रोसेस गेन, इट डिटरमाइंस टू अ सर्टेन एक्सटेंट द अपर लिमिट ऑफ टोटल नंबर ऑफ यूजर्स। इट विल डिटरमाइन द अपर लिमिट ऑफ टोटल नंबर ऑफ यूजर्स, अपर लिमिट ऑफ टोटल नंबर ऑफ यूजर्स सपोर्टेड साइमल्टेनियसली बाय ए स्टेशन। ठीक है, ये एक स्प्रेडिंग फैक्टर है जिसको प्रोसेस गेन भी बोलते हैं। इट विल कैलकुलेट और इट विल बी एबल टू फाइंड आउट द अपर लिमिट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ यूजर्स विच इज सपोर्टेड साइमल्टेनियसली बाय अ स्टेशन। ठीक है, तो यानी कि मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, अगर ये 8 आ रहा है स्प्रेडिंग फैक्टर, तो मैं इसको लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ ना, 7.99 to 8.01। लॉजिकल क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन मैंने आपको और दिया था, वो सारा मैंने सॉल्व कर ही दिया था। आपको सॉल्व करना था वो मैं नहीं बताने वाली, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज मैं आपको कैलकुलस करवाने जा रही हूँ। द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल वन इज इक्वल आई इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 2 पाई, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए, ये क्वेश्चन गेट के भी इंपॉर्टेंट है, इसरो वगैरह में भी आता है, और जो आप ये इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं उसमें मैथ्स का यूज है। तो अगर आप देखिए, मैं इसको, ये आपका इंटीग्रल है आई इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 2 पाई, ओके, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 8 डी एक्स, यही है। अब मैं क्या करती हूँ, लेट एक्स स्क्वायर बाई 8 को मैंने क्या बोल दिया, टी मान लिया, अज्यूम कर दिया। अब आप इसको कर सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टी, अगेन ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 8 डी टी, यही होगा ना। तो यानी कि कहने का मतलब है कि ये एक तरह से 4 हो गया। अब अगर मुझे इसकी वैल्यू लिखनी है, कहने का मतलब ये, अगर एक्स स्क्वायर 8 टी है और एक्स इज इक्वल टू 2 रूट 2 ऑफ टी, नहीं हो जाएगा डायरेक्ट, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, मैंने इसको इंटीग्रेशन नहीं करा है, सॉरी आई एम नॉट डूइंग इट्स इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब आप इसमें देखिए, डी एक्स निकालेंगे जब हम, तो डी एक्स इज इक्वल टू 2 जा डी एक्स जब आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया था, ट्वाइस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, इट वॉज 8 डी टी। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 4 बाई एक्स डी टी, यही हो गया ना। तो डी एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, 4 बाई 2 रूट 2 डी टी एंड बाई टी, यही हो जाएगा। और dx is equal to how much, it will be root 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो root 2 by t
डी टी, ये रूट टू क्या है, ये टू रूट, सॉरी ये टू रूट टू टी होगा, ये टी विल बी इनसाइड द स्क्वायर रूट, क्योंकि एक टी बोल रहा है ना ये, तो इसीलिए ये स्क्वायर रूट के भीतर आएगा, तो ये भी स्क्वायर रूट में होगा। अब आप निकालिए यहाँ पे आई इज इक्वल टू वन बाय अंडर रूट टू पाई, ओके, इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस, अब मैं यहाँ पे वैल्यू रख सकती हूँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर बाई 8 dx, तो मैं लिख सकती हूँ इसको dx की वैल्यू आप रखिए अंडर रूट टू बाय अंडर रूट टी डी टी, ये हो गया। और यहाँ पे x स्क्वायर को आपने 8t माना था, तो 8t बाय 8 कैंसिल होके e टू द पावर माइनस टी हो जाएगा ना, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, अब ये अंडर रूट टू अंदर बाहर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाय अंडर रूट टू पाई इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस टी, और यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, टू टू दी पावर हाफ था ना ये, ठीक है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ हाफ माइनस वन डी टी, ये लिख सकती हूँ। अब आप इसमें देखिए, एक आपने पढ़ा होगा गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एक्स एक्स टू दी पावर एन माइनस वन डी एक्स इज, ये होता है, और जो गामा हाफ होता है दिस इज इक्वल टू अंडर रूट टू पाई। तो ये जो वैल्यू आपकी आ रही है, जो आपने अभी जैसे आपका था ये टी टू दी पावर माइनस हाफ इंटीग्रल डी टी, अगर आप करोगे तो क्या होता है, टी टू दी पावर माइनस हाफ प्लस वन इज हाउ मच, टी टू दी पावर नहीं पढ़ा होगा ना ये, इंटीग्रल एक्स टू दी पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन होता है, यही होता है ना। तो अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कितना आएगा, ये t टू दी पावर माइनस हाफ था, इसका आप इंटीग्रेशन कीजिए कितना आएगा, इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो कितना आएगा, इधर देखिए ये हो गया, हम इसको इस फॉर्म में ले आए ना, ये हो गया एक्चुअली, देखो मैंने क्या किया, मैंने इसको इंटीग्रेशन नहीं किया है, मैंने आपको भी फॉर्मूला बताया था, अंडर रूट टी को मैं डायरेक्ट ले गई, टी टू दी पावर माइनस हाफ होगा ऊपर, लेकिन मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ हाफ माइनस वन, तो इट विल टेक द आइडेंटिटी ऑफ दिस मच, 0 टू इन्फिनिटी टू दी पावर माइनस एक्स एक्स टू दी पावर एन माइनस वन डी एक्स, ऐसे होगा। तो आप इसमें सॉल्व करेंगे तो i इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट टू पाई, ये जो आइडेंटिटी थी, ये वाली आइडेंटिटी किसकी हो गई, गामा हाफ की हो गई, गामा हाफ की होगी, ठीक है। तो जब आप इसको, हाँ क्योंकि यहाँ पे गामा हाफ मतलब गामा n, तो यहाँ पे जो गामा n है वो गामा n इज इक्वल टू 2 है, तो इसीलिए यहाँ पे गामा हाफ रखेंगे, तो 1 बाय अंडर रूट टू पाई इंटू अंडर रूट टू पाई, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेरिवेटिव ऑफ द सिमेट्रिक फंक्शन ड्रॉन इन अ गिवन फिगर विल लुक लाइक, सी ये आपका एक सिमेट्रिक फंक्शन है, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में भी है वही राइट हैंड साइड में भी है, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा आप देखिए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होना चाहिए। देखिए डेरिवेटिव, अगर आप देखिए डी बाई डी टी ऑफ आर टी निकालते हैं तो ये यू टी होता है, डी बाई डी टी ऑफ यू टी निकालते हैं तो क्या होता है, ये डेल्टा टी होता है। अगर मैं बोलूँ डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर बाई टू करेंगे तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस टी बाई टू, यानी कि टी हो जाएगा, है ना। तो आप ये देखिए, ये तो होगा नहीं इसका डेरीवेटिव, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका डेरीवेटिव ये होगा। गिवन फंक्शन हैज नेगेटिव स्लोप इन पॉजिटिव हाफ, नेगेटिव स्लोप इन पॉजिटिव हाफ एंड पॉजिटिव स्लोप इन नेगेटिव हाफ, तो इसका डिफरेंशिएशन कर्व ऐसे होगा, नेगेटिव स्लोप इन, अगर हम देखें तो ये इस तरह से आप एक बार चेक कीजिएगा, तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा, आपने फंक्शंस पढ़े होंगे नेटवर्क फंक्शंस, ये मैथ्स है कैलकुलस, तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो गिवन फंक्शन है इसका क्या नेगेटिव स्लोप है, ये क्या है नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप इन पॉजिटिव हाफ, और ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है पॉजिटिव स्लोप इन नेगेटिव हाफ, ये दिखा रहा है ना, तो इसीलिए डिफरेंशिएशन कर्व ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए वेयर पी इज अ वेक्टर, दिस इज इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, फ्रॉम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट
A cross B cross C is equal to A dot C of whole B minus A dot B of whole C. यही होता है ना. तो यहाँ पे क्या किया है, मैं इसको अगर इस फॉर्म में भी लिखूं, जैसे ये जो लिखा है, अगर मैं इसको A मान लूं, B मान लूं, C मान लूं, तो क्या हो जाएगा, A dot C of whole B minus A dot B of whole C. तो ये कितना आना चाहिए, डेल डॉट पी ऑफ डेल माइनस डेल स्क्वायर पी. तो इसका डी ऑप्शन होगा. सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए आप, ये तो सिंपल सी बात है, सरफेस इंटीग्रल दिया है, दिस विल बी इक्वल टू फाइव सी, ये क्लोज इंटीग्रल होता है, दिस इज पी डॉट डी एल, ये स्टोक्स थ्योरम है. क्या है, स्टोक्स थ्योरम. तो इसका कौन आंसर क्या आएगा, इसका ए ऑप्शन होगा. ठीक है, जो सर्फेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट कर रहा है, लाइन इंटीग्रल को सर्फेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर रहा है. अब आप देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर मैं बोलूं दिस आई इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू पाई साइन क्यूब थीटा डी थीटा, तो आप खुद ही देख लीजिए मैं इसको किस कैसे ब्रेक कैसे कर सकती हूँ. इंटीग्रल जीरो टू पाई साइन स्क्वायर थीटा डॉट साइन थीटा डी थीटा ऐसे लिख सकती हूँ ना. तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटीग्रल जीरो टू पाई वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डॉट साइन थीटा डी थीटा. ठीक है, अब आप देखिए लेट कॉस थीटा इज इक्वल टू टी, तो जब कॉस थीटा टी हो जाएगा तो माइनस साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी. तो आप देखिए यहाँ पे जब थीटा की वैल्यू आप जीरो रखेंगे तो कॉस जीरो इज वन इज इक्वल टू टी वन, और जब थीटा की वैल्यू आप पाई रखेंगे तो कॉस पाई इज इक्वल टू माइनस वन इज इक्वल टू टी टू. तो यानी कि यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी, जब जीरो है तो इसकी वैल्यू वन है, जब पाई है तो इसकी वैल्यू माइनस वन है. यही मतलब हुआ ना. एंड वन माइनस टी स्क्वायर डॉट ये डी टी हो गया, यहाँ माइनस आ गया, यही वैल्यू आई ना. अब आप इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये मैं इसको लिख सकती हूँ माइनस मल्टीप्लाई होगा तो टी स्क्वायर माइनस वन डी टी. इसका इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल जब हम करेंगे तो जब हमने साइन इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, जब साइन हमने माइनस वन टू ये वन हो जाएगा इस तरीके से जब हम करेंगे, तो ये कुछ टी स्क्वायर माइनस वन, नहीं नहीं आप इसको प्लस ही वन कीजिए और इसको माइनस वन कीजिए. अपनी बुक कॉपी खोल के बैठिए, ये बहुत जो जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उससे बहुत मेहनत लगती है. तो ये हो जाएगा टी क्यू माइनस थ्री माइनस टी, और ये हो जाएगा आपका प्लस वन माइनस वन. तो ये वैल्यू हो जाएगी वन बाई थ्री, और ये माइनस वन का क्यूब माइनस प्लस वन, तो ये वैल्यू हो जाएगी वन बाय थ्री माइनस वन माइनस वन, तो ये वैल्यू माइनस टू बाय थ्री. तो ये माइनस टू बाय थ्री है. ठीक है, अगर देखा जाए तो ये हो गया है, एक मिनट, आपने क्या किया है इसमें वन टू माइनस वन, माइनस वन एंड प्लस टी स्क्वायर, तो टी क्यूब माइनस थ्री माइनस टी हो जाएगा ना. तो जब आप ऐसे करेंगे, नहीं नहीं एक सॉरी गलती हो गई. गलती क्या होगी, देखिए मैंने कितने टाइम से मैथ्स नहीं करी है तो मैंने गलती पकड़ ली. क्या गलती होगी, हमें हर एक जो भी इंटीग्रेंड इसमें दिया है अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों रखनी पड़ेगी, इसलिए आंसर मैच नहीं कर रहा है. तो देखिए मैं कैसे, मैं गड़बड़ कहाँ कर रही थी. ये हो जाएगा आपका वन बाय थ्री, ये हो जाएगा माइनस वन का क्यूब, और ये हो जाएगा माइनस वन, फिर माइनस माइनस वन और माइनस वन. ठीक है, वन बाय थ्री माइनस वन माइनस वन माइनस, और ये प्लस टू. तो यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है साइन चेंज में. ये प्लस वन टू माइनस वन था ना, मुझे लगता है कि इससे नहीं हो रहा है. ये चेक कीजिएगा मुझसे, ये माइनस वन हो गया, माइनस वन हो गया, ये माइनस माइनस, और ये माइनस वन, नहीं नहीं माइनस माइनस वन ये आ रहा है ना, माइनस सॉरी माइनस, फिर ये माइनस वन, और एक मिनट, माइनस वन माइनस माइनस, नहीं नहीं आपने लिमिट क्या रखी है इसमें, हाँ अपर लिमिट पहले रख रहे हैं ना हम, तो यहाँ पे माइनस माइनस वन एंड माइनस प्लस वन हो रहा है ये एक्चुअली, तो इसीलिए ये मैंने माइनस टू किया था. माइनस टू
प्लस टू, ये आप चेक कीजिए, ये मुझे पता चल गई है गलती, इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। इसका आंसर आएगा 4/3। ठीक है, देखिए मैं अगर अभी भी मुझसे थोड़ी सी कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है वो मुझे समझ में आ गया है, मैं अगर इसको माइनस वन रखती हूँ और इसको प्लस वन रखती हूँ, ठीक है, नहीं नहीं सॉरी, ये प्लस वन ही रखती हूँ, इसे माइनस रखती हूँ, माइनस टी क्यूब बाय थ्री, और इसको प्लस टी रखती हूँ, अब इसको जरा आप करें तो क्या आएगा। देखिए मैथ्स में कब की छोड़ चुकी हूँ ना, मैथ्स तो ये अभी नॉर्मल आप लोग गेट की तैयारी करते होंगे तो करते होंगे, मेरे लिए थोड़ा सा ये वो हो गया है चैलेंजिंग। तो देखिए मैंने क्या किया, 1/3 माइनस माइनस वन का क्यूब हो गया, ठीक है, एंड माइनस मैंने बाहर ले लिया, और फिर माइनस मैंने क्या किया इसको प्लस वन, ठीक है, और फिर ये हो जाएगा प्लस, ये यहाँ पे हो जाएगा माइनस वन माइनस वन, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 माइनस माइनस वन माइनस वन, ठीक है, एंड माइनस टू, तो माइनस माइनस टू था, प्लस 2/3 माइनस टू, तो 2/3 ये ऐसे हो गया, तो ये एक्चुअली माइनस 4/3 है, ये माइनस 4/3 है, पर माइनस 4/3 नहीं आएगा, ये प्लस 4/3 आएगा। कहीं मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है साइन चेंज की, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज एक्स इंक्रीज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी द फंक्शन दिस मच इज, देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक आप, मैं जानबूझ के भी छोड़ रही हूँ ताकि आप लोग करें, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको पूरा ये साइन चेंज में बताऊंगी, तो टाइम काफी लग जाएगा, इसे अपनी कॉपी में करके बताइएगा, ठीक है। मेनली यही था कि ये लिमिट थी माइनस प्लस वन टू माइनस वन एंड वन माइनस टी स्क्वायर डी टी, तो मैंने एक्चुअली गड़बड़ क्या कर, मैंने गड़बड़ तो कुछ नहीं करी, मैंने साइन चेंज पहले ही कर दिया, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि, हाँ जी एक मिनट रुकिए, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा था ना थीटा इक्वल टू जीरो, तो कॉस जीरो वन, कॉस टू पाई वन होता है, कॉस पाई माइनस वन होता है, तो यहाँ पे माइनस वन लिख दिया, यहाँ वन लिख दिया, ठीक है। अब इसमें आप देखिए कि ये जो वैल्यू आ रही है इसमें, इसमें कहीं ये जो वैल्यूज है लिमिट के, ये माइनस वन इट इज करस्पॉन्डिंग टू पाई एंड दिस वन इज रिलेटेड टू जीरो, तो जब आप इसको इस तरीके से करेंगे तो ये माइनस वन हो गया और ये वन हो गया, ठीक है, तो माइनस वन टू वन था, तो इसमें जो है एक लिमिट चेंज होती है, कहीं यहाँ पे वही चीज गड़बड़ हो रही है, एक लिमिट चेंज होती है, यहाँ पे एक्चुअली ये लाइन आनी चाहिए कि माइनस इंटीग्रल, नहीं ये तो मैंने किया था, माइनस वन टू प्लस वन, लिमिट चेंज होती है ना, क्योंकि जैसे ये अगर इवन फंक्शन होता है तो ये वन माइनस, इसीलिए गड़बड़ आ रही थी ये, तो जब मैं ऐसे करूंगी तो यहाँ पे ये माइनस माइनस, तो ये एक बार आप रिवाइज कीजिएगा तो आंसर प्लस 4/3 हो गया। अब ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है द फंक्शन एफ एक्स इज, देखिए पहले आप निकालिए एफ डैश एक्स, इसको हम क्या बोलेंगे, एफ डैश एक्स कैसे निकलेगा, ई टू द पावर एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस वन प्लस ई टू द पावर एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ, सॉरी डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर का हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 प्लस ई टू द पावर एक्स का स्क्वायर, ठीक है। सिंस फॉर ऑल एक्स आपके पास एफ डैश एक्स क्या है, पॉजिटिव आएगा, कैसे आएगा जरा इसको सॉल्व कीजिए e टू दी पावर x हो गया, एक मिनट, हाँ माइनस ऑफ आपने कैसे किया था, नहीं 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 कहीं एक जगह फिर गड़बड़ हो रही है, देखिए क्या गड़बड़ हो रही है, इसको ऐसे करना था एक्चुअली, रुके रुके देखिए मैं भी तो गड़बड़ कर ही देती हूँ ना, यहाँ पे पहले आपका आएगा e टू दी पावर x, मैंने सही किया है ये, एक्चुअली आना चाहिए e टू दी पावर x बाई वन प्लस e टू दी पावर x का स्क्वायर,
तभी तो लिखा है कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा, तो जब एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज करेगी, इसीलिए मोनोटोनिकली इंक्रीज करेगा, मोनोटोनिकली मतलब यूनि डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आप देखिएगा पहले क्या होता है, ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है। जब आप इसका करेंगे जैसे 1+e^x किया था तो ये तो कॉन्स्टेंट आ जाएगा, या तो ये ऐसे होगा, या मैं अगर कहीं गड़बड़ कर रही हूँ तो ये ऐसे हो सकता है कि 1+e^x इंटू d/dx ऑफ ई एक्स माइनस e^x इंटू d/dx ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये आएगा। तो हाँ, तो ये वैल्यू जो थी ये एक्चुअली ऐसे आ जाएगी, 1+e^x प्लस e^2x माइनस e^2x। हाँ जी, ये अब सही हुआ है, ये और ये कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएशन पहले इसका नहीं करना है, आपको पहले न्यूमरेटर का करना है। मैं भी थोड़ा भूल गई हूँ, लेकिन मैंने मैथ्स भी काफ़ी समय बाद मैंने स्टार्ट की है, तो मैं थोड़ा सा ठीक है। तो ये एक्चुअली पहले न्यूमरेटर का होगा, ये न्यूमरेटर का होगा माइनस ये डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1+, ये डिनोमिनेटर का होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए, फॉर मॉड एक्स लेस देन 1 कॉट हाइपरबोलिक एक्सिस, मॉड एक्स की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव एक्स फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स एंड माइनस एक्स फॉर ऑल नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, अब आप देखिए वाई इज इक्वल टू, इसने वजह से बोला है कि क्या बोला है, फॉर मॉड एक्स लेस देन 1 कॉट हाइपरबोलिक एक्स कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज, मैं कॉट हाइपरबोलिक एक्स को क्या लिख सकती हूँ, कॉस बाय साइन, यही लिख सकती हूँ ना। तो आप इसमें देखिए, जब आप इसको इस तरीके से लिखेंगे तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, इट शुड बी 1/x। इसको आप कैसे अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, 1/x। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए लिमिट, ये एलएचएल रूल है, इसमें आप देखिए क्या करेंगे, मैं इसको लिख सकती हूँ लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो, ओके, हाफ साइन थीटा बाय टू बाय थीटा बाय टू, ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं, है ना। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो साइन थीटा टू बाय टू बाय थीटा टू बाय टू, ऐसे लिख सकते हो ना। हाफ मैंने बाहर निकाल लिया, ये वाला हाफ मैंने जो था ये बाहर निकाल लिया और मैंने इसको ऐसे लिख दिया। तो ये जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू तो 1 के बराबर होती है ना, अगर आपने लिमिट्स पढ़े होंगे तो ये 0.5 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज स्ट्रिक्टली बाउंडेड। देखिए सीधी सी बात है, y इक्वल टू 1/x² फंक्शन कैसे होता है, ये ऐसे होता है, मतलब आप कह सकते हो बिल्कुल इट कम्स टू द बेस। अगर ये y है और ये x है तो 1/x² ऐसे होता है। e^x कैसा होता है, ऐसा, ठीक है। फिर y इक्वल टू x² कैसा होता है, हाइपरबोलिक फॉर्म में होता है, तो ये ऐसा होता है, मतलब ये इसको ऐसे टच करेगा, ठीक है। फिर जो y इक्वल टू e^-x² होता है, ये कैसा होता है, ये होता है कुछ ऐसा, ठीक है। दिस इज वॉट, दिस इज y इक्वल टू e^-x². तो ये कह रहा है कौन सा बाउंडेड है, कौन सा मतलब बाउंड हो जाता है, बाउंडेड मतलब जो अनबाउंडेड नहीं है, जिस जो इनफाइनाइटली नहीं इंक्रीज कर रहा है, तो इसीलिए इसका डी ऑप्शन होगा, ठीक है। द इक्वेशन साइन जेड इज इक्वल टू 10, देखिए सीधी सी बात है, मैक्सिमम वैल्यू साइन जेड की कब आती है, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, ये मैक्सिमम वैल्यू आती है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो होती है इसकी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन जेड इज 1, यूनिटी। अबव इक्वेशन हैज नो रियल और कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा, सॉल्यूशन पूछ रहा है ना ये। नेक्स्ट है, फॉर रियल वैल्यूज ऑफ एक्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज, सी एफ एक्स इज इक्वल टू e^(x+e), ये ऐसे होगा। अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, जब आप अर्थमेटिक मीन निकालेंगे ऑफ, तो कैसे निकलेगा, 1/e^(x)
बाय टू, ठीक है, ऐसे आएगा। और जब आप ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे इसका तो कैसे निकलेगा, वन। अब आपको पता है कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, यही होता है ना, यही होता है। तो यानी कि दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन होता है, तो यानी कि मैं इसको लिख सकती हूँ तो यानी कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो टू होगी, तो इसका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा, ठीक है। अगर आप देखेंगे सो इट विल कम आउट टू बी ए। तो ये इतने क्वेश्चंस थे, ठीक है, कैलकुलस के। आई होप आपको समझ में आया होगा, अभी तो मैं इतने ही करा रही हूँ। इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कैसा ये वाला टॉपिक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, लाइक कीजिए, शेयर जितना ज़्यादा कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और प्लीज़ रफ कॉपी में प्रैक्टिस ज़रूर किया कीजिए, ओके। टिल देन क्या बोला जाए, टिल देन हम बोलेंगे गुड बाय।